भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात को देश का सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाता है। यहाँ कुदरत की असीम कृपा देखने को मिलती है। एक तरफ जहाँ विश्व का सबसे बड़ा सफेद रेगिस्तान, देखो तो मानो लगता है आप चांद पे हो, वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर का नीला पानी, जिसे देखते ही लगता है मानो आप नीले गगन को छू रहे हो। गुजरात की मिट्टी ने कई महापुरुषों को जन्म दिया है। एक ओर श्री कृष्ण की लीला है तो दूसरी ओर महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महापुरुषों का जन्मस्थान। गुजरात का गरबा भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मशहूर है। लेकिन सिर्फ गरबा ही नहीं बल्कि यहाँ की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इसे दुनिया में एक अलग पहचान बनाती है। आइए चलते हैं इस शानदार राज्य का सैर करने। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। प्राचीन समय से ही गुजरात का अपना एक इतिहास रहा है जो कई राज्यों से संबंध रखता है। यहाँ का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। विशाल समुद्र तट पर स्थित होने की वजह से अनेक जातियां यहाँ आई और इसकी दीवानी बनकर यहीं की होकर रह गईं। यहाँ कुल 28 आदिवासी जातियां हैं जिसकी वजह से अनेकों संस्कृति देखने को मिलती है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक और समृद्ध राज्य है। इसकी तरक्की का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुजरात की जीडीपी चीन से भी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ कई प्रकार के संग्रहालय, किले और कई रोचक जगह हैं जो पर्यटकों के लिए किसी दावत से कम नहीं है। यहाँ की राजधानी गांधीनगर एशिया का सबसे हरियाली वाला शहर माना जाता है। गुजरात को सबसे सुरक्षित राज्य भी कहा गया है। यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ अपराध की दर 1% से भी कम है। साफ सफाई में भी गुजरात अव्वल नंबर पे है। गुजरात की तरक्की की एक बड़ी वजह यह माना जाता है कि यहाँ शराब पूरी तरह बंद है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ शराब पूरी तरह बैन है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल हब भी है। पूरे भारत का 51% पेट्रोकेमिकल की आपूर्ति अकेले गुजरात से होती है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरे विश्व में जितना हीरा पॉलिश होता है उसमें से 80% हीरा सिर्फ गुजरात के सूरत शहर में पॉलिश किया जाता है। गुजरात अकेला ऐसा राज्य है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी गुजरात घूमने गए हों तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।